लग चुके हैं, मतलब बंक कराए हमारे क्लास, अब एप्लीकेशन लिख रहा है। फाइन, कितने का फाइन आया था? 200। क्यों पर टॉफी की इमरान भाई को दे, हाथ भी करवा दे इमरान भाई की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे भाई। तो टाइम हो रहा है अभी 8:33 और टाइम है नहीं कॉलेज, 9 बजे क्लास है। तो अब जल्दी से कोशिश करते हैं कि कॉलेज के लिए निकलें। नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही थी भाई कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। पहले 7 बजे उठा, फिर लेट गया 7:30 बजे उठा आधे घंटे के लिए, फिर लेट गया भाई, हर आधे घंटे बाद लेट जा रहा था। नींद इतनी आ रही थी, मन ही नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन कॉलेज जाना था तो उठना ज़रूरी था भाई। तो उठ के अब नहा धो के तैयार हो गया हूँ, अब सीधा निकलते हैं हम कॉलेज के लिए, रोड पर चलते हैं और फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए। भाई गर्मी भी अब बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, बहुत ज़्यादा, तो फिर खैर मैं ऊपर लेट गया था, लेकिन बाहर भी बहुत तेज़ गर्मी है। तो फिलहाल हम सीधे निकलते हैं कॉलेज के लिए और मिलते हैं आपसे सीधा कॉलेज। आगे टाइम से आप धूप देते हैं किस तरीके की है यार, अभी से हाल है, फिर आगे क्या होगा। खैर अभी तो ग्रीन लाइट है, हमारा तो ग्रीन है यार, रेड से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिलहाल ग्रीन है तो निकल लेते हैं। बाहर रुके हुए हैं क्या लाइट सारे लोग, तो भाई अमान के साथ एक इशू हो गया। अमान जो कल प्रेजेंट था लैब में, फिर भी उसकी एब्सेंट मार्क हो गई, अब वो परेशान है। उसमें खैर अपनी एप्लीकेशन लिखी है और अब वो एप्लीकेशन जो है वो चेयरमैन हेल्पलाइन नंबर पर अपलोड कर रहा है, अभी लिखी है, वो परेशान है। 200 रुपये का फाइन लग गया। ये रहा अमान हमारा, 200 रुपये का फाइन, भाई साहब देने को तैयार नहीं है। इन्होंने क्लास बंक की थी तो 200 का फाइन लगाया, एप्लीकेशन लिखी है इन्होंने, अब ये एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे लिंक पर जाकर, गूगल लिंक पे, तब कुछ इनका हल होगा, नहीं तो 200 रुपये का फाइन, बंकिंग क्लास। बंदा दोनों लेक्चर कंप्लीट ले रहा है फिर भी बंक लग के क्लास की थी ना, तो भाई 200 रुपये का फाइन लगना लाजिम है ना। जब क्लास बंक करोगे, कॉलेज तुम आ रहे हो और क्लास बंक करोगे, क्यों भाई क्यों करते हो बंक क्लास का, बताओ। घर वाले तुम्हें इसलिए भेज रहे हैं कि क्लास बंक करो आगे। मोटा तो अब छुट्टी हो गई है भाई और काफ़ी तेज की धूप भी है यार, और ये सारे लोग जा रहे हैं बस की तरफ, बस में बैठेंगे और हम ही इंतज़ार कर रहे हैं कि गेट कब खुलेगा। कॉलेज गेट जब इससे ही खुलता है हम निकलते हैं सीधा घर के लिए। तो देखें अब गेट खुलने ही वाला है, अब खुलने जा रहा है गेट, हाई सिक्योरिटी गेट है, स्विस बैंक का गेट है, तो गेट ओपन हो गया, तो फिलहाल हम निकलते हैं सीधा घर के लिए। अरे नहीं बहुत ज़्यादा है यार, इतनी गर्मी है कि अभी उठाऊँ भाई नहा धोकर, नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ, 5:30 बज चुके हैं, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं है। इतनी हालत, सिर में दर्द होने लगा गर्मी की वजह से भाई, और लाइट चली गई फिर तो आलम बहुत ही बुरा था। तो फिलहाल अब चलते हैं कुछ मार्केट ले आते हैं, कोई फ्रूट्स और तैयारी का इंतज़ाम कर लेते हैं, तो फटाफट चलते हैं। रोज़ की तरह तरबूज अपना फेवरेट है, और यहाँ देखें ना भीड़ भी काफ़ी बढ़ रही है लगातार, जैसे जैसे टाइम करीब है तो भीड़ बढ़ती जा रही है, और हम निकल रहे हैं सैलानी पर। तो अभी तो सारा मार्केट बंद है, लेकिन शाम के टाइम खुलेगा। रात के 10 बज रहे हैं लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, लोग नमाज़ पढ़ कर मस्जिदों से निकल रहे हैं और बाकी लोग घरों से निकले हैं अब शाम के टाइम रात में। तो देखें ना कितना रश है भाई, अब खरीदारी शुरू कर दी है लोगों ने, ईद बहुत करीब है, आप देखें ना कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। और हम आ चुके हैं मटका कुल्फी के पास, कुल्फी खाएंगे जरूर, जो अपना ये भी फेवरेट है कुल्फी, लेकिन भीड़ भाई बहुत ज़्यादा है, देखे ना कितना रश है, और रात के 10 बजने को है। मुझे टोपी लेनी थी, और 2-3 टोपी मुझे अपने लिए नहीं, मेरे भाइयों के लिए, तो फिलहाल पूरा आया था गाँव से तो ले लेना, तो मैं अब यहाँ टोपी लेने तो आया हूँ यार, पसंद कर रहा हूँ बहुत देरों की, पसंद कोई टोपी पसंद नहीं आ रही, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी पसंद आए और लेकर निकले फटाफट यहाँ से, वही टोपी पसंद करने में लगे हुए हम, तो मिल जाए खास, ये एक ब्लैक वाली पसंद आ गई है फिलहाल। इस कदर भीड़ है सैलानी पर कि कुछ बताया नहीं जा सकता, आज ईद के दिन करीब हैं तो सारे लोग शॉपिंग करने आए, जैसे इजहार भाई भी हमारे इधर उधर लेने के लिए आए थे आज, लेकिन सडनली इनका प्लान चेंज हो गया है,
अब हमारा एक जल्लाद इंसान हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, वो आने को तड़प रहा है, वो आने वाला है, तो मिलवाते हैं अभी उनसे। इमरान भाई की तरफ से सबके लिए एक एक कुल्फी है। आज थोड़ा टीडीएस ज्यादा काट दिया एक पार्टी में। क्या बोला तूने? इसलिए उसके एवज में पार्टी दी जा रही है। ये वाले पैसे भी तुम काट सकते हो, किसी ना किसी से काट लोगे। कम से कम आज महंगी वाली खिलवा दो, किसी और से काट लेना महंगा। भैया 5 रुपए वाले दे दियो। नहीं, इनकी तरफ से आज कुल्फी का इंतजाम है, मटके वाली। कौन सी खिलवाओगे, 20 वाली या 25 वाली? 6 रुपए वाली। अल्लाह ताला इसकी तौफीक इमरान भाई को दे। भाई सामान भी तो लेना था खाने का, तो भाई निहारी ले ली है, पैक करा ली है, और अब चलते हैं खाना खाते हैं जाकर रूम पर, और अब ब्लॉग को करते हैं ब्रांड, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ जल्दी।